आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, जो कि अगर आपने समझ लिया तो भाई लड़कियां आपकी दीवानी हो जाएंगी। सच में बता रहा हूँ, अगर तुम लड़की को समझ गए तो भाई जिंदगी भर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बस आपको लड़कियों के दिमाग को समझना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हाँ मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आपको भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं लड़कियों का दिमाग कैसे काम करता है। लड़कियों का दिमाग ऐसे काम करता है कि लड़कियां जो कहती हैं वो खुद नहीं चाहती। लड़कियों को खुद नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए, वो कुछ भी कहती रहती है, कुछ भी मांगती रहती है। सच बताऊं तो लड़कियों की नीड्स तुम कभी पूरी कर ही नहीं सकते। लड़का जो कहेगा वो उसको मानता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं तो मैं करना चाहता हूं। लड़कियों को पता ही नहीं है, लड़कियां कहेंगी मैं ये करना चाहती हूं, करेंगी कुछ और, खरीदने कुछ और जाएंगी, खरीद के कुछ और लेंगी। आपके घर में होता रहता होगा कि आपकी मम्मी या आपकी बहन होता रहता होगा ना कि कुछ लेने गई है वो लेकर नहीं आई, कुछ और ही लेकर आ गई है। और कई बार तो ऐसा होता है पूरा भाई मार्केट छानबीन कर ली लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो लड़कियों का दिमाग ऐसे ही काम करता है। कुछ गलत नहीं बता रहा हूं उनके बारे में, कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, बट सच में ऐसे ही काम करता है कि उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि लड़कियों का दिमाग काम कैसे करता है। आज का टॉपिक है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक चीज होती है जिसमें इंसान जो कहता है वो नहीं चाहता, तो हमें यही समझना है और इंसान को वो देना है जो वो नहीं चाहता। समझे, मैं समझाता हूं। एक चीज समझो कि जो बच्चा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो गुस्से में है, रो रहे हैं, बहुत चीजें से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल भाई बहुत ही ज्यादा झड़ती में, और तुम उनको ये बोल दो कि ये सामान उठा के मत फेंकना बेटा, प्लीज इस सामान को उठा के मत फेंकना, वो बंदा भाई उस सामान को उठाएगा और खींच के पटक देगा। तुमने मना कैसे किया, तुमने उसको आइडिया दे दिया ना एक तरीके से। तो यही चीज होती है कि अगर तुम इंसान को कोई चीज मना करोगे करने से तो इंसान का मन वही चीज करने को करता है। अगर घर में मम्मी ये कह दें कि ये डब्बा मत खोलना, इसको गलती से भी मत खोलना, भूल जाना पर इसको कभी खोलना मत, तुम उस डब्बे को जरूर खोलोगे, और अगर नहीं खोलोगे तो मन में एक जागरूकता, एक ना उत्सुकता आएगी कि क्या है इस डब्बे के अंदर, मुझे देखना है क्या है। तो हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज के लिए जो कि हमें मना की जाती है। तो आपको यही करना है कि लड़की को एक तरीके से मना करना है ताकि लड़की वही काम करे। और लड़कियां तो खासकर यही होता है कि जो चीज मना करोगे वो तो करना ही करना है। ये चीज किसी को मत बताना भाई, लड़की पूरे गांव में बांट देगी कि ये चीज उसने मना किए बताने को। तो एग्जांपल्स देता हूं, दो आप समझ जाओगे। पहला एग्जांपल कि आपको लड़की के माइंड से कोई चीज निकलवानी है, उसको किसी इंसान ने कोई बात बताई और आपको चीज निकलवानी है। डायरेक्टली अगर जाकर तुम पूछोगे कि ये चीज बता दो तो लड़कियां घंटा नहीं बताएंगी, क्योंकि लड़कियां डायरेक्ट नहीं बताती, लड़कियों को थोड़ा चेस करवाने का मजा आता है। तो लड़कियां चेस करवाएंगी, भीख मंगवाएंगी आपसे, तुम गिड़गिड़ाओगे प्लीज बता दो प्लीज बता दो, लड़कियां इस चीज का फायदा उठाएंगी और लास्ट में हो सकता है ना ही बताएं। तो आपको ये चीज नहीं करनी, थोड़ा ट्रिक खेलना है। ट्रिक क्या खेलना है कि आपको लड़की को बोलना है कि यार उसने क्या चीज बताई है, देख मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फालतू चीजों में, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यार थोड़ा पता नहीं क्या ही कहा होगा उसने, चल ठीक है अगर तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां पर लड़की को ना एक रिग्रेट फील होगा कि यार इसने मेरे से एक्सपेक्टेशन से पूछा और अगर मैं नहीं बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो लड़की आपको चीज बता देगी। तो आपको यही करना है कि पहले बोलना है कि प्लीज क्या उसने बताया है, पता नहीं क्या ही बताया है, अगर तू नहीं बताना चाहता तो रहने दे, नहीं बताना चाहती तो रहने दे, वो इंसान आपको चीज जरूर बताएगा। एग्जाम्पल नंबर दो कि अगर आप चाहते हो कि लड़की एक पार्टी में जाए और अगर लड़की का मन है कहीं और जाने का, मान लो लड़की चाहती है मूवी जाना और तुम चाहते हो उसको पार्टी में ले जाना, अब यहाँ पर तुम डायरेक्टली कहोगे कि प्लीज पार्टी में चलते हैं तो लड़की घंटा नहीं जाएगी, लड़की तुम्हें मूवी ही ले जाएगी, क्योंकि लड़कियां जिद्दी होती हैं। आपको क्या करना है, ट्रिक खेलनी है। आपको बोलना है कि यार हम पार्टी भी जा सकते हैं, मूवी भी जा सकते हैं, यार पार्टी में तो यार चीज़ें सही होंगी नहीं, यार पार्टी में भी पता है ना यार ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, तो पार्टी रहने ही देते हैं। लड़की जरूर अट्रैक्ट होगी, लड़की आपको जरूर कि नहीं ना यार चलते ना पार्टी, क्या दिक्कत है, अबे कोई बात नहीं यार चलते ना पार्टी, क्योंकि लड़कियां होती ही ऐसी हैं। लड़कियों को जो चीज तो मना करोगे वही काम उसको करना होता है, वहीं पर उसको जाना होता है। तो लड़की टपाक से बोलेगी नहीं पार्टी चलेंगे। क्यों बोलेंगी, क्योंकि यहां पर दो चीजें होती हैं। पहली कि ऐसा करने पर लड़की की फ्रीडम छिन जाती है क्योंकि तुमने उसको चीज मना कर दी, तो लड़कियों के मन में एक ईगो हर्ट होता है कि यार इससे मना क्यों कर दी, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, मुझे थोड़ी डर लगता है, मैं तो यार नई जमाने की लड़की हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी हूं, ओपन माइंडेड हूं, चलेंगे ना पार्टी। और दूसरी चीज ये होती है कि लड़कियों को यहां पर एक चैलेंज सा फील होता है कि अरे इसने मेरे को चीज करने के लिए मना किया है, नहीं अब तो मैं यही करूंगी, और लड़कियों को खासकर ये दोनों सीन ज्यादा होता है। आपको पता है कि ये ट्रिक लड़कियां सदियों से यूज करती आ रही हैं और लगभग हर एक लड़की ये चीज यूज करती है, जानबूझ के नहीं, कॉन्शियसली नहीं, तो भाई कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनकी चीज चलती रहती है और ये चीज यूज करती हैं। यही रीजन है कि आजकल लड़के दीवाने हो चुके हैं लड़कियों पर, लड़कियों उनको एक एफ भी नहीं देती। तो यही रीजन है कि हम गिड़गिड़ाते रह जाते हैं प्यार के लिए और लड़की घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको यही चीज करनी है कि लड़कियों से भीख किसी चीज की मत मांगो, भीख मांगोगे तो लड़की नहीं करेगी, लड़की को चीज मना करोगे तो
लड़की वो चीज जरूर करेगी। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जिसको तुम शायद कनेक्ट कर पाओ, लेकिन लड़कियां ये बहुत ज्यादा यूज करती हैं, लड़कियों के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, खुद प्रैक्टिकली मैंने ये समझा हुआ है। देखो सीन क्या होता है कि एक लड़की के पास बहुत सारे बंदे होंगे, उसके पीछे पड़े हुए होंगे कि मेरे को बॉयफ्रेंड बना लो, हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना फलाना चीज़ें। सपोज करते हैं कि लड़की के पास दो बंदे हैं जो कि पीछे पड़े हुए हैं, लड़की को किसी एक बंदे को चूज करना है बॉयफ्रेंड के लिए, राइट। अब तुम्हें क्या लगता है कि लड़की किसको चूज करेगी, सिचुएशन क्या है समझ लो। लड़की यह करती है कि दोनों के सामने एक सिचुएशन रखती है, एक चैलेंज टाइप रखती है, एक टेस्ट रखती है, जिसमें उसको बोलती है कि यार मुझे लगता है ना कि यार तू मेरे को ना टाइम नहीं दे रहा, एक काम कर यार तू ना अपने यार करियर को चूज कर ले, क्योंकि तेरे पास मेरे लिए टाइम है नहीं, या तो अपने करियर को चूज कर ले या तो मुझे चूज कर ले यार, तू तो यार टाइम ही नहीं दे रहा, ये वो फलाना फलाना चीजें। अब पहला बंदा क्या करता है कि बोलता है कि नहीं यार मैं तो तेरे लिए ही हूँ, तेरे लिए ही अवेलेबल हूँ, तो जो कहेगी मैं वो करूंगा यार, ये सब काम मैं सब छोड़ दूंगा, अपने घर वालों को छोड़ दूंगा, तू ही है मेरे लिए सब कुछ। और दूसरा बंदा क्या कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को लगता है कि हम साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया, अगर चीजें वर्कआउट नहीं करें तो कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि लड़की कहां पड़ जाएगी? अगर आप एक अच्छे दिमाग से सोचोगे तो आप बोलोगे कि नहीं यार पहला लड़का कितना अच्छा था, वो तो अपने काम धंधे को भी छोड़ रहा है एक लड़की के लिए। नहीं, लड़की वहां अट्रैक्ट नहीं होगी, लड़की अट्रैक्ट होगी सेकंड नंबर वाले बंदे पे। माइट भी ऐसा हो सकता है कि लड़की डेट पे चली जाए पहले वाले बंदे के साथ जिसने कहा था कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो सकता है लड़की डेट पे चली जाए, लेकिन लड़की ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगी सेकंड बॉय के साथ, क्योंकि वहां पर उसकी फ्रीडम छिन गई है। लड़की ने यही एक्सपेक्ट किया था कि लड़का ये बोलेगा कि तुम मेरे सब कुछ हो, लेकिन लड़के ने ऐसा नहीं किया। लड़कियों को यहां लगता है बुरा, लड़कियों को यहां फील होता है एक चैलेंज, तो लड़की कहां पर अट्रैक्ट होगी? जहां उसको चैलेंज मिलता है, जहां वो चीज नहीं कर पाती, जहां पे उसको चीज नहीं मिल पा रहा होता, उसको चेज करने में मजा आता है, चेज करवाने में नहीं। और हम क्या करते हैं कि लड़कियों के पीछे चेज करते रहते हैं, उनको करवाते नहीं है। लड़कियों को चेज करना है, उनसे चेज करवाओ। बट एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपको यहां पर रेडी रहना है कभी भी उसको छोड़ देने के लिए। अगर आप इस माइंडसेट से नहीं चलोगे तो लड़की घंटा आपके पीछे नहीं आएगी। आपको रेडी रहना है कि अगर लड़की जा रही है तो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको मेंटेलिटी रखनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लड़कियों के प्यार के चक्कर में मत पड़ोगे, मैं प्यार में पड़ गया, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूं, मर जाऊंगा। देखो आदत सब में होती है, आदत सबकी लग जाती है, इंसान है, आदतों का पुतला होता है। अगर तुम किसी चीज को भुलाना चाहोगे तो कभी नहीं भुला पाओगे, लेकिन अगर उसकी यादों को किसी और की यादों के साथ रिप्लेस कर दोगे तो शायद आपको उसकी यादें आए भी ना। समझदार को इशारा काफी है, आपको उस लड़की के पीछे नहीं पड़े रहना, रिप्लेस देते हैं। रिप्लेस कर दोगे चीजों को तो चीजें भूल जाओगे, भूलने की कोशिश करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा ब्रेक लो, ब्रेकअप हुआ है ठीक है, उस लड़की अगर वो चली भी जाती तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आपको रेडी रहना है कि हाँ ब्रेकअप हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखना भाई लड़की बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होगी आपको, अगर नहीं लग रहा है एक बार अप्लाई करके देखना भाई, बिल्कुल बदल जाओगे तुम। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपने ऐसा कभी अप्लाई किया है, और अगर अप्लाई किया है तो रिजल्ट क्या आया था। मीनवाइल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटे से बेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज ऑन कर देना।